जय सृष्टि भगवती माँ, जय माँ भगवती। तो दोस्तों, आज जो है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। आज का हमारा जो विषय है धूप सेवा और धूप पूजा के विषय में, असल में जो है, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि ये जो पूजा और सेवा है दादा, उसमें क्या असल में जो है अंतर है या फिर जो है वो एक ही है। तो मैं जो है आप लोगों को धूप सेवा और धूप पूजा के माध्यम से ये समझाऊंगा। इसीलिए जो है ये मैंने नाम रखा है धूप पूजा और धूप सेवा और धूप पूजा जो है, क्योंकि इससे जो है एक विषय के आधारित उदाहरण के तौर पर अगर बताया जाए तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा वो विषय जो है, क्योंकि इस विषय में कई सारे दूसरे विषय भी तो जुड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं केवल जो है उस विषय की, कई सारे विषय को लेकर बात करूँगा तो शायद समझ में ना भी आ सकता है। तो इसीलिए धूप सेवा और धूप पूजा ये विषय मैंने रखा है। असल में हमारा मूल विषय है सेवा और पूजा में कोई अंतर है या नहीं। तो पहली बात जो है, सेवा जो है वो एक स्वतंत्र विधि है। सेवा जो है आप भगवान के साथ आपका समय बिताना, भगवान के साथ आपका दिनचर्या जो है वो सेवा होता है। सेवा जो है वो स्वतंत्र होता है। आप भगवान को नहला रहे हैं, आप भगवान को उनके पसंद के भोग जो है उनके लिए आप बना रहे हैं, उनके आप आरती कर रहे हैं, उसमें कोई मंत्र आदि के विषय नहीं है। उसमें जैसे हम जैसे आरती गाते हुए हम जो है आरती आदि करते हैं ना, तो ये सारे विषय जो है ये सेवा में ही आते हैं। ये जो है ये सेवा में आते हैं, आरती गाते हुए हम आरती करना। कोई जो है दिन में चार बार आरती ही करते, आरती गाते हुए जो है, कोई जो है भगवान को चार बार भोग लगाते, कोई भगवान को सुलाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, भगवान को सुंदरता से सजाते हैं। तो ये जो स्वतंत्र एक विधि है, स्वतंत्र एक भाव है, ये जो है ये सेवा है। और जहाँ पर जो है विधिवत रूप से जो है कुछ हम कर रहे हैं वो जो है वो पूजा है। यानी कि वहाँ पर ऑर्डर होगा, एक वहाँ पर आपको आचमनीय करना होगा, पवित्रकरण करना होगा, गंधादि अर्चन करना होगा, मानस पूजा करना होगा, उसके बाद जो है मूल पूजा, दशोपचार पंचोपचार आदि से जो है आपको पूजन करना होगा। तो ये हो जाता है आपका पूजन। सेवा में मंत्र आदि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, पर पूजा जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है मंत्र होना आवश्यक है। यानी कि पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें मंत्र आपको बोलना ही पड़ेगा। धूप सेवा जब हम कर रहे हैं, मान लीजिए तो भगवान को हम, मान लीजिए हम धूप सेवा कर रहे हैं, गुड़ घी आदि का धूप जो है, धूप सामग्री गुड़ घी आदि का धूप भगवान के सामने रखते हुए हम जो है उनके आरती कर रहे हैं, उनका आरती गाते हुए, तो ये हमारा हो जाता है धूप सेवा। पर धूप पूजा मतलब जब हम जो है धूप निवेदन कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम, धूप आरती जो है, ये हम एकदम वनस्पति रसो दिव्य गंधार्ध्य सुमनोहर मयान विदित भक्ता धूप अहम प्रतिक्रियतम एष धूप, ये मंत्र आदि के साथ हम दे रहे हैं और ऑर्डर से, यानी कि गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं, धूप दीप दे रहे हैं, नैवेद्य दे रहे, आरती कर, ये जो विधान आ जाता है धूप पूजा की, ये जो विधान, धूप पूजा मतलब जो है धूप के एक से अधिक उपचार से पूजा जो है। तो जब भी जो है उपचार विधि के माध्यम से हम पूजन कर रहे हैं तो वो धूप पूजन हो रहा है। अर्थात मंत्र आदि के साथ निवेदन आदि करते हुए जो है उपचार विधि के माध्यम से जब भी हम पूजन कर रहे हैं, जब भी हम निवेदन कर रहे हैं, वो जो है वो धूप पूजा होता है। और धूप सेवा क्या होती है, आप जो है दशांग धूप मान लीजिए, षडंग धूप मान लीजिए, या फिर कोई भी धूप मान लीजिए, केवल राग गोकुल ही जो है भगवान के सामने केवल आपने जो है उन्हें एक सुगंध भोग या फिर जो है एक धूप भोग भी, धूप भोग सेवा के तौर पर भी गुड़ घी आदि के साथ जो है आपने भगवान के सामने प्रज्वलित किए, और उसके बाद जो है आप जैसे मान लीजिए आप श्री कृष्ण के आप कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये आप गाते हुए उनकी आरती कर रहे हैं और उनके सामने जो है वो धूप आदि प्रज्वलित है। उसे आपने कुछ अलग से जो है निवेदन आदि विधि के मंत्र आपको नहीं आते, कुछ आपको मतलब उतना कुछ आपको पता नहीं है, पर फिर भी जो है
आप जो है ये लौकिक पूजा आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो है ये जो है लौकिक पूजा है, पर सेवा मतलब जो है आप स्वतंत्र, आप उसमें जो है जैसे इस प्रकार से धूप आदि प्रज्वलन करते हुए आप आनंद के साथ आरती कर रहे हैं। ये भाव जब आपका है, ये जो स्वतंत्र विषय आपका है, ये जो है आपका सेवा भाव है, यानी कि ये सेवा है। पर जब भी जो है आप निवेदन कर रहे हैं, जब भी आप जो है मंत्र आदि विधि के साथ जब भी जो है आप निवेदन कर रहे हैं धूप जो है, तो वो आपका जो है धूप पूजा हो रहा है। अर्थात आप केवल धूप आदि प्रज्वलन करते हुए आप मतलब धुनजी धूप आपने प्रज्वलन करते हुए भगवान के सामने आपने धूप प्रज्वलन किए और उसके बाद जो है धूप दीप से आपने आरती किए, तो ये आपका सेवा हो जाता है। भगवान को आप सुबह के समय जो है एक धूप देकर आप आरती कर रहे हैं, मंगल धूप मंगल समय में जो है आप एक बार धूप दे रहे हैं और उसके साथ आप आरती कर रहे हैं, दोपहर के समय आप कर रहे हैं, संध्या के समय आप कर रहे हैं, तो ये हो जाता है धूप सेवा, ये हो जाता है आपका धूप सेवा। और निवेदन क्या हो और पूजा क्या होती है, जब आप जो है उपचार विधि आदि के साथ जो है आप निवेदन कर रहे हैं। देखिए पूजा में भी जो है सेवा के भाव थोड़े बहुत आते ही है, आज के हमारे जो पूजा पद्धति है उसमें सेवा आ ही जाते हैं, सेवा जो है उसमें आते ही है। जैसे हम भगवान के पूजन आदि करते हैं दोपहर में, जैसे भगवान को हम भोग आदि देते हैं, तो वो भले ही जो है हम निवेदन कर रहे हैं मंत्र आदि के साथ निवेदन कर रहे हैं, पर उसके मूल भाव जो है उसमें सेवा में ही होता है। इसलिए एक कहावत है कि सेवा जो है वो स्वतंत्र है, पर पूजा जो है वो सेवा ही है, यानी कि पूजा जो है उसमें सेवा होगा ही होगा, पर सेवा जो है वो हर किसी के अपने मन की एक स्वतंत्र भाव है। पर पूजा जब हम कर रहे हैं, विधिवत पूजा जब हम कर रहे हैं, तो उसमें सेवा के भाव आएंगे ही आएंगे, खासकर आज के समय में, क्योंकि देखिए हम भगवान के साथ जो है एक रिश्ता बनाते हैं, भगवान के साथ हमारा जो है एक संबंध, एक जो है भक्ति, आज के हमारे पूजा के मूल विषय जो है वो भक्ति है। तो भक्ति का ये मूल विषय जो है हमारे पुराण से संबंधित है और पूजा विधि जो है वो आगम से संबंधित है। पुराण में दोनों श्रुतियों को ही, वेद और तंत्र की दोनों श्रुति को ही जो है पूर्ण किया गया है, यानी कि वहाँ पर जो है इन श्रुतियों के मूल विषय को जो है, यानी कि वेद और तंत्र की मूल जो ये क्रिया और ज्ञान को जो है वहाँ पर रखते हुए, मूल विषय को रखते हुए वहाँ पर कई सारे जो है आपको कहानी यानी कि कथा के माध्यम से जो है आपको ये सारे विषय जो है समझाए जाते हैं। और उसमें आप देखिएगा उसमें भक्ति और भाव की ही मूलता है, सेवा की बहुत देखिएगा पुराण में जो है सेवा की विशेष महत्व दिया गया है। वैष्णव पुराण में तो काफ़ी है, जैसे कि इसीलिए कहा जाता है वैष्णव सेवा, गुरु सेवा आदि, ये जो है मतलब पुराण जो है पुराण के साथ एक्चुअली सभी लोग ना रिलेट कर पाते हैं। ये जो नवधा भक्ति के कीर्तन भजन पूजन आदि जो है ये एक एक सेवा ही है, कोई कीर्तन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, कोई वंदन के माध्यम से, जैसे मीराबाई, मीराबाई जो है वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, अपने जो है पद लिखते हुए जो है कृष्ण के लिए जो है वो गीत के पद जो है वो रच रही है और वही गाते हुए कृष्ण की धुन में वो जो है मगन है, तो ये सेवा ही है, ये भी जो है ये सेवा ही है। अर्थात सेवा एक स्वतंत्र भाव है। पुराण की विषय के साथ लोग इसीलिए जुड़ पाते हैं बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि उसमें भक्ति के इस विषय को जो है बहुत ज़्यादा कहा गया है, यानी कि भक्ति भाव जो है वहाँ पर जो है बहुत महत्व दिया गया है। आगम में इसी भक्ति को अनुराग कहा गया है, अर्थात जो है आप जो है भगवान के साथ आपका एकाग्र, यानी कि आपके इष्ट में आपका मन जो है एकाग्र होना चाहिए, उसे अनुराग कहा गया है। अनुराग मतलब होता है इष्ट के प्रति एकाग्र हो जाना, मानस पूजा में जो है प्रतिष्ठा हो जाना। ये पूजा करते करते यानी वाज्य पूजा, ये हम धूप दीप दे रहे हैं, नैवेद्य दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ये करते करते ही जो है ना
अनुराग उत्पन्न होता है मन में जो है इष्ट के प्रति, और ये अनुराग वृद्धि होता है इससे एकाग्रता बढ़ता है और जो है मानस भाव में जो है जाकर जो है प्रतिष्ठा हो। ये असल में एक साधना की भावना है, ये अनुराग, ये आराधना, आगम की आराधना जो है उसमें साधना की एक भाव है। इसीलिए आगम में जो है भक्ति ना कहते हुए इसमें अनुराग विषय जो है मतलब भक्ति शब्द को ही वहाँ पर अनुराग कहा गया है। अनुराग का मतलब होता है तीव्र जो है एक प्रेम, यानी एकदम एकाग्र रूप से अपने इष्ट के प्रति जो है मन को बांध लेना, ये होता है अनुराग। भक्ति का विषय क्या होता है? भक्ति असल में होता है एक सहज पथ। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भक्ति जो है वो सहज पथ है, ज्ञान पथ सभी के लिए नहीं है, विधि आदि के माध्यम से जो है वो भी सभी लोग नहीं कर सकते हैं, पर भक्ति जो है वो सभी कर सकते हैं, अर्थात भगवान की सेवा सभी कर सकते हैं। सेवा की स्वतंत्र सभी को मंत्र आए या ना आए, वो लोक रूप लौकिक रूप से जो है भगवान की सेवा वो अवश्य कर सकते हैं। तो सेवा जो है एक स्वतंत्र भाव है, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो है हमारे पुराणोक्त विषय से जो है इसकी वृद्धि ज़्यादा हुई है। भक्ति सेवा का मूल विषय जो है भक्ति, और हमारे पूजा पद्धति का मूल विषय जो है अनुराग, यानी कि विधियों का ऑर्डर पालन करते हुए जो है विधि रिचुअल्स का पालन करते हुए विधि पालन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आगम मतलब जो है वहाँ पर नियम विधि जो है उपचार विधि निवेदन विधि पालन करते करते जो है मन को अपने इष्ट के प्रति निवेदन कर देना, ये विषय होता है। तो धूप सेवा धूप पूजा के अगर हम देखें कि धूप पूजा और धूप सेवा में अंतर क्या है, तो अंतर यही है कि जब आप जो है स्वतंत्र रूप से जो है आप धूप के किसी भी प्रकार की सेवा आप कर सकते हैं, धूप का आप अनुवासन कर लीजिए, आप जो है धूप विलास आप कर रहे हैं, धूप मतलब धूप विलास आप भगवान को आप सुंदर से सजाकर भगवान के सामने आप धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, आप भगवान को धूप भोग सेवा कर रहे हैं, आप जो है सर्दियों के समय जो है थोड़ा सा गर्मी के लिए भगवान के सामने धूप अंगारे कर रहे हैं, तो ये सभी जो है ये सेवा के अंतर्गत होता है, ये जो है एक स्वतंत्र क्रिया है, ये जो है ये सेवा के अंतर्गत होता है। आप भगवान के जो है धूप दीप से आरती कर रहे हैं, आरती गाते हुए, तो ये जो है ये एक स्वतंत्र विषय होता है दोस्तों, आपकी मन की एक स्वतंत्र भाव होता है। सेवा जो है वो मूलतः भाव पर आधारित होती है, और पूजा जो है वो विधि, पूजा में भी जो है भाव आवश्यक है, पर उसमें विधि का होना जो है मंत्र आदि का होना, नियम का होना, उसमें निवेदन पद्धति का होना जो है वो आवश्यक होता है। धूप से जब भी हम जो है ये पंचोपचार में हो दशोपचार में हो, हम धूप के एक से अधिक विधि कर रहे हैं, तो वो धूप पूजा कहलाता है। यानी कि धूप से आप स्वतंत्र रूप से जब आप कुछ सेवा कर रहे हैं, धूप विलास कर रहे हैं, धूप भोग कर रहे हैं, कोई दूसरे विधि आदि कर रहे, केवल धूप आरती कर रहे हैं, या फिर जो है धूप से आप कुछ और कर रहे हैं, श्रृंगार करते हुए धूप श्रृंगार करते हुए आप धूप कर रहे हैं, तो ये सारे जो है आपकी सेवा में आ जाते हैं। पर जब भी धूप आप निवेदन कर रहे हैं विधिवत नियम से जो है पंचोपचार से करें, या फिर केवल आरती पूजा में ही, केवल आरती पूजा में ही गंध पुष्प से पूजन करते हुए धूप दीप जो है निवेदन करते हुए आप आरती, यानी कि आरती के धूप दीप निवेदन करते हुए आप आरती कर रहे हैं, तो ये जो होता है आपका पूजन होता है। तो धूप सेवा धूप पूजन यानी कि सेवा और पूजन में क्या अंतर है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।